हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सामने है टाटा हैरियर जेट एडिशन। टाटा अपने सभी प्रोडक्ट के साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट करता रहता है, इसलिए टाटा ने सबसे पहले लॉन्च करा था डार्क एडिशन, फिर उसके बाद आया गोल्ड एडिशन, फिर उसके बाद निकाला इन्होंने काजीरंगा एडिशन, और फाइनली आप देख रहे हैं टाटा हैरियर जेट एडिशन। डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और जो ये कलर आप देख रहे हैं, ये है ब्रॉन्ज कलर। टाटा ने इसको नाम दिया है स्टार लाइट कलर। बहुत ही प्यारा लग रहा है। और जो इसकी रूफ है, ये आपको सिल्वर कलर के साथ मिलती है। सिल्वर और ब्रोंज का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। हालांकि डायमेंशन में कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन फिर भी जो लुक है गाड़ी का, वो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मिलने वाला है। और हाँ, अब आपको यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स भी एड ऑन मिलने वाले हैं, जो पहले आपको टाटा हैरियर में नहीं मिल रहे थे। बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। 24,64,000 रुपये ऑन रोड प्राइस है इसका अलवर राजस्थान में। और इस प्राइस रेंज के अंदर आपको डेफिनेटली काफ़ी सारे फीचर्स टाटा हैरियर के अंदर मिलने वाले हैं। अगर आप इसका डार्क एडिशन लेते हो, तो उससे आपको एक्स्ट्रा 18,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, और आप यहाँ पे जेट एडिशन ले सकते हैं। डायमेंशन में जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन आप फीचर्स वाइज काफ़ी बदलाव अब आपको टाटा हैरियर में मिलने वाले हैं। और जो ये कलर कॉम्बिनेशन है सिल्वर और ब्रोंज का, ये बहुत ही प्यारा निकल के आ रहा है। डेफिनेटली लुक वाइज बहुत ही प्यारी लगती है गाड़ी। इस गाड़ी का रोड प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि गाड़ी की जो चौड़ाई है ना, ये काफ़ी बेहतरीन मिल जाती है। 1894 लगभग 1900 mm की गाड़ी में चौड़ाई मिल जाती है। वहीं बात करें फीचर्स के बारे में, तो सामने आपको DRL मिल जाते हैं, और जो ये DRL है, ये टर्न इंडिकेटर का भी काम करते हैं। और नीचे हेडलैम्प यूनिट मिल जाती है, जो कि आपको प्रोजेक्टर बेस मिलती है। वहीं हाई बीम के ऊपर आपको हेलोजन मिल जाते हैं, इंडिकेटर है, ये आपको प्रोजेक्टर बेस मिलते हैं। बात करें गाड़ी की ग्रिल के बारे में, तो सामने ग्लोसी ब्लैक फिनिश में ग्रिल मिल जाती है, टाटा का लोगो मिल जाता है, वहीं नीचे स्किड प्लेट मिल जाती है। आगे से कोई भी चेंज आपको नहीं मिलने वाला, एज इट इज़ डायमेंशन वही मिलेगा, फीचर्स भी यहाँ पे आपको सेम ही मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं गाड़ी की लेंथ की, तो ऑलमोस्ट 4600 mm गाड़ी के अंदर लेंथ मिल जाती है। वहीं व्हील बेस के बारे में बात करें, 2741 2741 का गाड़ी में व्हील बेस मिल जाता है। वहीं 205 mm का गाड़ी के अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। बात करें गाड़ी के टायर सेक्शन के बारे में, तो ये है ओवरऑल गाड़ी का टायर सेक्शन। यहाँ पे आपको 17 इंच के टायर मिल जाते हैं, 235/65R17, तो यहाँ पे आपको 17 इंच के टायर मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश में अलॉयज मिलेंगे, लेकिन इस बार आपको चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, तो ये बड़ा चेंज आपको इस बार मिलेगा। पहले जो हैरियर आती थी, वहाँ पे सिर्फ आपको आगे वाले टायर में डिस्क ब्रेक मिलता था, लेकिन अब आपको चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक मिलेंगे। वहीं व्हील के ऊपर व्हील आर्चेज है, साइड में आपको मोल्डिंग मिल जाती है। फेंडर के ऊपर आपको हैशटैग जेट की बेजिंग मिलेगी, ये देखिए। बात करें गाड़ी के ORVM के बारे में, तो यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में ORVM मिल जाता है। इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल, एडजस्टेबल दोनों यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। इसको करते हैं लॉक, ये देखिए, ठीक है। इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाती है, जो कि LED बेस है। डोर हैंडल बॉडी कलर्ड है, एंड डोर हैंडल के ऊपर आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है, क्या बात है। अब आपको चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक मिलने वाले हैं, जो कि पहले कभी नहीं मिल रहे थे, तो ये एक बड़ा चेंज टाटा हैरियर में आपको मिलने वाला है। बात करें गाड़ी के रियर लुक के बारे में, तो ये है गाड़ी का ओवरऑल रियर लुक। जितनी प्यारी गाड़ी आगे से लगती है, उतना ही प्यारा गाड़ी का रियर लुक है। बहुत ही शानदार सा लुक निकल के आता है, और आने वाले 10 साल भी जो इसका रियर लुक है, वो बेहतरीन होने वाला है। ये देखिए, बहुत ही प्यारा लुक निकल के आ रहा है। बात कर लेते हैं गाड़ी के फ्यूल टैंक के बारे में, तो यहाँ पे आपको 50 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। फीचर्स की बात करें, तो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, XZ प्लस वेरिएंट है। जो भी एडिशन टाटा के आते हैं, वो सभी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ही आते हैं, तो ये है इसका XZ प्लस वेरिएंट। बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में, तो रूफ के ऊपर मिल जाता है शार्कफिन एंटीना, स्पॉइलर है, इंटीग्रेटेड हाई माउंट स्टॉप लैंप है, डिफोगर रियर वाइपर, रियर वॉशर मिल जाते हैं। यहाँ पे लोकल फॉर वोकल की बेजिंग मिल जाती है। बात करें टेल लैंप यूनिट के बारे में, तो यहाँ पे LED बेस टेल लैंप यूनिट मिलती है। ऑलवेज ऑन मोड में ये वाली लाइट होने वाली है, बहुत प्यारी लगती है। वहीं जो इंडिकेटर है, ये आपको हेलोजन बेस मिलता है। नीचे मिल जाता है रिफ्लेक्टर, वहीं 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं पार्किंग सेंसर के। नीचे भी आपको स्किड प्लेट मिलती है, वहीं हैरियर की बेजिंग मिल जाती है, टाटा का लोगो है, और यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलने वाला है। तो कुछ ऐसा लुक है गाड़ी के रियर का। बात कर लेते हैं गाड़ी की चाबी के बारे में, तो कुछ ऐसी की यहाँ पे मिल जाती है। लॉक अनलॉक का बटन है, फॉलो मी हेडलैम्प का बटन है, वहीं बूट को अनलॉक करने का बटन मिलता है। अब करते हैं गाड़ी का बूट अनलॉक, ये देखिए भाई, तो कुछ ऐसा बूट स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। 425 लीटर का बड़ा सा बूट स्पेस यहाँ पे दिया गया है, काफ़ी सारा लगेज यहाँ पे आपका आ सकता है। वहीं ऊपर पार्सल ट्रे मिल जाती है, एंड यहाँ पे कोई भी बूट लैंप आपको नहीं मिलता। पीछे
सब वूफर की प्लेसमेंट मिलती है। एंड बात करें स्पेयर व्हील के बारे में तो नीचे स्पेयर व्हील मिल जाता है, अगेन 17 इंच का है, स्टील रिम के साथ प्रॉपर इंसुलेशन यहाँ पे मिलने वाला है। और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स है जो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। कीलेस एंट्री के लिए यहाँ पे मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर, और सो करते हैं अनलॉक। ये देखिए भाई, ये है ओवरऑल गाड़ी का इंटीरियर, बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे इंटीरियर मिल जाता है, ब्लैक और ब्राउन कलर का यूज़ किया गया है। वहीं बात करें सीट के बारे में तो यहाँ पे ओइस्टर वाइट कलर की सीट मिल जाती है। जो ये कॉम्बिनेशन है ना, ब्लैक ब्राउन और सीट वाइट, भाई डेफिनेटली बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे आपको इंटीरियर मिलता है। डैशबोर्ड की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, कहीं से भी आपको लगेगा ही नहीं कि भाई क्वालिटी वाइज आप लैग कर रहे हो, डेफिनेटली बहुत ही प्यारी क्वालिटी मिलती है। डोर ओपनिंग वाइड है, कोई दिक्कत नहीं एंट्री एग्जिट करने में। नीचे मिल जाता है लैंप, यहाँ पे मिल जाता है आपको बोतल होल्डर, एंड इसके बाद यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा स्टोरेज मिलता है। स्पीकर की प्लेसमेंट है, ऑल फोर पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे ब्रॉन्ज कलर का यूज़ किया गया है, डोर हैंडल है, और यहाँ पे किया गया है डार्क क्रोम का यूज़। ये देखिए बहुत ही सही ORVM एडजस्ट करने का बटन मिल जाता है। बात करें स्पीकर्स की तो पूरी गाड़ी के अंदर आपको 8 स्पीकर का सेटअप मिलता है, 4 स्पीकर, 4 ट्विटर और एक मिलता है सब वूफर, तो ऐसे करके 9 स्पीकर का सेटअप यहाँ पे मिलता है जो कि JBL पावर्ड है, तो भाई साउंड क्वालिटी तो बेहतरीन होने वाली है। बात कर लेते हैं डैशबोर्ड के बारे में, तो यहाँ पे डार्क क्रोम का यूज़ किया गया है, यहाँ पे पूरा ब्राउन फिनिश यहाँ पे दिया गया है। वहीं इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। सीट के बारे में बात करें तो यहाँ पे ओइस्टर वाइट कलर की सीट मिल जाती है, हैशटैग और जेट की बैजिंग यहाँ पे भी आपको मिलती है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, ये आपको वेंटिलेटर मिलती है, यहाँ पे आपको वेंटिलेटर सीट का ऑप्शन मिल जाता है, एंड हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको मिल जाता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ये देखिए, ठीक है, सीट आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाती है, सीट की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, सीट की कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। गाड़ी के अंदर आपको 4 एयरबैग मिलते हैं, 2 आपको आगे मिल जाते हैं, 2 आपको यहाँ पे मिलते हैं, तो ऐसे करके 4 एयरबैग मिलते हैं। सेफ्टी के लिए गाड़ी में काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स अब आपको मिलने वाले हैं जेट एडिशन। ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और चेक कर लेते हैं ओवरऑल गाड़ी का इंटीरियर। तो ये है ओवरऑल डैशबोर्ड टाटा हैरियर के जेट एडिशन का। बात करें डैशबोर्ड के बारे में, बहुत ही प्रीमियम सी क्वालिटी मिल जाती है, ऊपर ब्लैक कलर है, नीचे ब्राउन कलर है, एंड इसके नीचे आपको ओइस्टर वाइट कलर मिलता है। ये देखिए टेक्सचर भी काफ़ी बढ़िया है, वहीं पूरा यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है। बात कर लेते हैं गाड़ी की स्टेयरिंग के बारे में, तो यहाँ पर राउंड शेप में स्टेयरिंग मिल जाती है। एडजस्टमेंट अगर चेक करें तो यहाँ पर टिल्ट, ओके, तो यहाँ पे आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मिल जाती है। स्टीयरिंग के ऊपर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, टेलीफोनिक बटन्स यहाँ पे दिए गए हैं, वहीं यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर भी मिल जाते हैं। स्टीयरिंग के ऊपर लेदर रैप मिलता है। वहीं बात करें स्ट्रोक्स की तो वाइपर के स्ट्रोक्स हैं, ये आपको ऑटोमेटिक मिलते हैं। वहीं हेडलाइट के जो स्ट्रोक है ये भी आपको ऑटोमेटिक मिलते हैं, मतलब रेन सेंसिंग वाइपर और ऑटोमेटिक हेडलैम्प दोनों यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। बात करें गाड़ी के ओवरऑल क्लस्टर के बारे में, तो यहाँ पे सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। स्पीडोमीटर आपको एनालॉग में मिलता है, वहीं बड़ी सी MID मिलती है जिसके अंदर आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। क्या बात है, बहुत सही सी यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है। वहीं स्टेयरिंग के ऊपर आपको क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। क्या बात है, सही, ठीक है। तो ये कहानी हो गई स्टेयरिंग की और इसके क्लस्टर की। क्लस्टर के अंदर आपको TPMS जैसे फीचर भी यहाँ पे मिलने वाले हैं, बहुत सही। बात कर लेते हैं गाड़ी का ओवरऑल सेंट्रल कंसोल के बारे में, तो ये है ओवरऑल गाड़ी का सेंट्रल कंसोल, काफ़ी बेहतरीन सा है। सामने आपको डिस्प्ले मिल जाती है, एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो जैसे फीचर्स को सपोर्ट करता है। वहीं यहाँ पे आपको AQI इंडेक्स भी मिलने वाला है। गाड़ी के अंदर आपको इनबिल्ट एयर प्योरीफायर भी मिल जाता है जो कि ऑल टाइम आपको AQI यहाँ पे शो करेगा। ये देखिए, ठीक है, तो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, टच इसका काफ़ी बेहतरीन है। नीचे आपको AC वेंट मिल जाते हैं। बात करें AC की तो यहाँ पे ऑटोमेटिक AC मिल जाता है, और भाई इसके नीचे आपको मिल जाता है USB पोर्ट, ऑक्स पोर्ट, नीचे आपको वायरलेस चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है जो कि पहले आपको नहीं मिलता था। बात करें गाड़ी के ग्लोव बॉक्स के बारे में, तो काफ़ी बड़ा साइज का है और यहाँ पर आपको इल्यूमिनेशन भी मिल जाता है। क्या बात है, यहाँ पर मोड मिल जाते हैं, मड मोड, ये देखिए तीन मोड मिलते हैं, वेट मोड, रफ रोड मोड एक्टिवेटेड, रफ रोड, सिटी मोड, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो यहाँ पे आपको तीन मोड मिल जाते हैं। वहीं यहाँ पे आपको हिल डिसेंड कंट्रोल का बटन मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। आप इसमें इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट भी ले सकते हो, अगर आप 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर देते हो तो आप इसमें इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट भी बाय कर सकते हो। लेकिन अब जो मेन फीचर यहाँ पे मिलता है वो मिलता है
ऑटोमेटिक पार्किंग का। पहले यहाँ पे ऑटोमेटिक पार्किंग वाला फीचर नहीं था, लेकिन अब आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकली पार्किंग का यहाँ पे बटन मिल जाता है। वहीं यहाँ पे आपको ऑटो होल्ड वाला फीचर भी मिलता है, जो कि पहले नहीं मिलता था। तो ये फीचर अब आपको एड ऑन मिलेंगे। डार्क एडिशन से मात्र आपको 18,000 पे करने हैं, और ये वाले फीचर आपको एड ऑन मिलने वाले हैं, जो कि आपको सफारी के अंदर देखने को मिलते थे। यहाँ पे पूरा पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है, यहाँ पे भी पूरा आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलता है। वहीं यहाँ पे आपको मिल जाता है आर्म रेस्ट, और इसके नीचे आपको स्टोरेज मिलता है। ये आपको मिलता है कूल्ड, क्या बात है, ये आपको कूल्ड मिल जाता है। नीचे आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, टाइप ए और टाइप सी मिल जाता है, टू का फोल्डर मिल जाता है, और कुछ ऐसा लुक निकल के आता है ओरल गाड़ी का। डेफिनेटली बहुत ही प्यारा लुक निकल रहा है। बात करें IRVM के बारे में, ऑटो डिमिंग IRVM है। यहाँ पे आपको प्लेन ही मिलता है, एंड को पैसेंजर साइड में आपको लाइट के साथ वैनिटी मिरर मिल जाता है, क्या बात है। पीछे आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, जो कि काफ़ी बड़ी है। इसको वन टच बटन से आप इसको ऑन कर सकते हैं, वन टच बटन से इसको बंद कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वाइट कलर की केबिन लाइट मिल जाती है, क्या बात है। तो ये कहानी हो गई इंटीरियर की। इंटीरियर वाइज काफ़ी बेहतरीन है, फीचर्स अब आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मिलने वाले हैं, जो कि पहले टाटा हैरियर में आपको नहीं मिल रहे थे। ये देखिए JBL इंस्पायर्ड, ठीक है, तो JBL इंस्पायर्ड आपको यहाँ पे स्पीकर्स मिलते हैं। साउंड क्वालिटी इन स्पीकर्स की काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत सही। सीट मुझे काफ़ी प्यारी लग रही है। वहीं जो ये सीट है ना, इनको केयर टेक करना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वाइट कलर में है, और वाइट कलर की जो सीट है ना, ये जल्दी गंदी हो जाती है। तो जब भी आप इस गाड़ी को ले रहे हैं, तो भाई इन सीट का आपको खास ध्यान में रखना है। और आगे वाली जो सीट है, ये आपको वेंटिलेटर मिलती है, तो आप इसमें कोई भी सीट कवर वगैरह नहीं चढ़ा सकते, तो इसलिए सीट को केयर टेक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। रियर सीट की बात करें, तो यहाँ पर भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल जाता है। वहीं बात करें एसी वेंट की, तो यहाँ पर आपको एसी वेंट मिल जाते हैं, ये देखिए, ठीक है। लाइट आपको इस साइड भी मिल जाती है, और इस साइड भी आपको लाइट मिल जाती है। वहीं सेंटर में आपको टाइप ए और टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है। सीट की क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। वहीं पीछे वाली जो सीट है, ये आपको वेंटिलेटेड नहीं मिलती, लेकिन हाँ, सीट का जो रिक्लाइन एंगल है, ये बहुत ही बढ़िया है, बैठने में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। बीच में हम पे इसलिए तीन बंदे फिर भी आराम से बैठ जाएंगे, क्योंकि स्पेस गाड़ी में काफ़ी बेहतरीन है। डोर ओपनिंग वाइड है, कोई दिक्कत नहीं है एंट्री एग्जिट करने में। यहाँ पे पूरा सॉफ्ट टच मिल जाता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। डार्क क्रोम में डोर हैंडल मिल जाते हैं, स्पीकर की प्लेसमेंट है, बोतल होल्डर है, यहाँ पे आपको पावर विंडो का बटन मिलता है, एंड इसके नीचे भी आपको थोड़ा सा स्टोरेज मिल जाता है। तो ये कहानी हो गई, और अंदर की स्पेशियस है, और जो ये सीट है, ये मुझे बहुत ही प्यारी लग रही है। कॉम्बिनेशन बहुत ही वेल है, इसलिए आपको काफी मजा आने वाला है। सीट का जो कलर है ना, ये हल्का होने की वजह से अंदर जो स्पेस है, वो काफी ज्यादा मुझे फील हो रहा है। तो ये कहानी हो गई ओवरऑल गाड़ी के इंटीरियर की। इंटीरियर वाइज डेफिनेटली काफी बढ़िया है, फीचर्स वाइज अब आपको काफी सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं फाइनली गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो भाई ये है ओवरऑल गाड़ी का लुक। तो फाइनली बात करें गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इसके अंदर आपको 2 लीटर का क्रायोटेक 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिल जाता है, जो कि 165 PS ऑफ पावर प्रोड्यूस करता है। वहीं 350 Nm का टॉर्क जो है आपको मिलने वाला है। तो इंजन वाइज काफ़ी बढ़िया है। बात करें माइलेज की, तो 19 से 20 की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। तो कुछ ऐसा इंजन यहाँ पे मिल जाता है। इंजन वाइज, परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी बढ़िया गाड़ी है, लेकिन अब आपको फीचर वाइज भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। काफ़ी सारे फीचर्स अब आपको यहाँ पे एड ऑन मिल जाते हैं। तो ये था टाटा हैरियर का जेट एडिशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।